संवाद नहीं, संवाद में इसमें मोस्टली मीर मुनीर साहब ने जो संवाद लिखे हैं और धनंजय हैं, इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है इसका, और इन दोनों ने हाँ तो बिल्कुल इनको उपन्यास दे दिया गया था और ये कह दिया गया था कि इसमें जो डायलॉग हैं प्रेमचंद जी के, वो कोशिश कीजिएगा कि रहें, वो डायलॉग बदले नहीं जाए। तो कई जगह पे अगर डायलॉग कोई बदल भी देता था तो मैं सेट पे वापस उसको वापस रीराइट कर देता था, क्योंकि मुझे वो याद थे डायलॉग काफ़ी उनके। देखिए, मैंने जैसा कहा कि आपको मैं पहले कर्म भूमि बना चुका हूँ। कर्म भूमि में मुंशी प्रेमचंद के बाद उपन्यास में अगर आप देखें तो कर्म भूमि हो गया, सेवा सदन हो गया, बाजारे हुस्त जो सेम सब्जेक्ट है, इसके बाद गोदान हो गए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आज से रिलेट करते हैं, जो आज कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट जब आप पुराना उठाते हैं, 40 साल 50 साल पुराना, कोई शेक्सपियर के ऊपर फिल्म बनाता है, कोई दूसरे नॉवल पे देवदास बनी फिल्म बनी, तो वो भी आज से 50 साल पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन आपने उसको कंटेम्प्रेरी कैसे उसको आपने ट्रीटमेंट देके उसको रिलेट करवाया आज के लोगों के साथ, वो हमने इसमें कोशिश की है थोड़ी बहुत। क्या फरमाया हुआ आपने? मुझे सोचा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे पढ़ने का भी शौक है, पढ़ता रहता हूँ बड़े बड़े, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जब इन्होंने नाम लिया, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी उनकी सारी किताबें, और इतना अच्छा लगा कि मुझे ये असाइनमेंट कहें क्या करें, ये खिदमात कहें क्या, मुझे जो मिला मुझे इतना अच्छा लगा मुंशी प्रेमचंद जी का, क्योंकि उनका मैं बहुत फ़ैन हूँ। आप लोगों को याद होगा मुंशी प्रेमचंद जी मुंबई में रहे हैं कितने साल, मुंबई में रहे हैं, पता है आपको? बिल्कुल, हाँ मुंबई में रहे हैं, हमारे परेल और लाल बाग के एरिया में वो रहे हैं, यहाँ पे दिखते भी थे वो, कुछ पता नहीं क्यों उस इलाके में रहते थे, और वो और उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, वो कुछ वो मिलों का वो जो तो ये मतलब उनकी राइटिंग इतनी रियली रियल होती थी कि कोई भी जिसकी समझ में आ जाए ना मुंशी प्रेमचंद, वो कहेगा उनसे बड़ा राइटर कोई है ही नहीं, और है भी नहीं, ये भी बताऊं अपनी नौयत के बहुत बड़े राइटर। और हमें इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पिक्चर, आपको आप देखेंगे ना बांध लेगी बिल्कुल अपने आप में ना, बहुत हमारे ये तो जान है इस पिक्चर की ये, और सब के सब किरदार अपनी जगह, लेकिन इनका एक सेंट्रल कैरेक्टर है इनका जयपाल जी का। 50 साल पुराना बनारस ही है आपको? मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं मुंशी जी को मुंशी जी नहीं कहना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी को खराज अकीदत देना था, मैं बिल्कुल भाग कर आया कि मैं ज़रूर इसमें जाऊँगा, और मैं कुछ अल्फाज उनकी शान शान कुछ कह पाऊँगा और ज़रूर। तो ये नज्म जो इसमें लिखी है अपने बाजारे वो जो इसमें जो नज्म है हाँ। वो आप कोई गुनगुना सकते हैं या कुछ ऐसा वो भूल सकते हैं? देखिए इस कंडीशन में मैं नहीं हूँ कि मैं अभी कुछ गुनगुना सकूँ बेटा, क्योंकि मेरी बीमारी की मजबूरी है, और फिर आप लोग कहेंगे
मतलब आउट ऑफ 100 ना मुझे 0 देंगे नंबर, क्योंकि ये ख्याम साहब ये ख्याम साहब को क्या हो गया, ये क्या सुना रहे हैं। तो इसलिए मतलब वो आप वो तो फिल्म देख ही रहे हैं, फिल्म देखेंगे आप वो जो कुछ इसका ऑडियो वगैरह कुछ जो भी होते हैं वो सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आप कोई कमी नहीं पाएंगे, कोई कमी हमारे डिपार्टमेंट में और साथ सभी डिपार्टमेंट में। वो तो है ही, मैंने पहले ही उनका तो पदवी है कैप्टन ऑफ द शिप, वो तो है ही, लेकिन और इन्होंने भी हक अदा किया है। अब पूरे मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि पूरी यूनिट ने हक अदा किया है, और नौजवान ये हमारे हीरो हैं, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और सारा, और हमारे और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, जी, राजीव जी हैं, वीरेंद्र सक्सेना हैं, या बिल्कुल ओम पुरी हैं, या जी रेशमी घोष हैं जो मेन लड़की हैं, राजेश्वरी सचदेव हैं, और हमारे मिश्रा जी तो कुछ इधर दीजिए ना, राइट्स की प्रॉब्लम नहीं है, राइट्स नहीं है, और कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से 50 साल के बाद राइटर की डेथ के बाद वो फिर नेशन को चले जाते हैं। तो जो कलाकार आपने चुने हैं जी, ये बहुत बिफिटिंग रोल है, और आजकल लोग साहित्य के ऊपर पिक्चरें कहाँ बहुत कम बन रही हैं, तो आई फील प्राइड कि हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है और उसको बना रहे हैं, और क्योंकि मोस्टली जो हिंदी साहित्य में जो बड़े राइटर्स हैं उनके ऊपर फिल्में अभी बनना कम हो गई हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों की भी अब इस फिल्म को आप देख के आप पाकिजा और उमराव जान के टक्कर में पाएंगे। यूपी गवर्नमेंट टैक्स फ्री के लिए उस समय जया जी थी वहाँ पर, उन्होंने किया भी था, जया बच्चन ने सब्सिडी ग्रांट किया था, लेकिन अभी हम लोगों ने अवेल किया नहीं है बिकॉज वो हाँ अभी उन्होंने स्क्रैप कर दिया, लेकिन अभी ये अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस फिल्म को देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, नहीं हम लोगों ने इंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ करने के लिए अप्लाई किया है, वो फिल्म देखने वाले हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी गई है फिल्म पीएम हाउस में दिखाने के लिए, बिकॉज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करती है, तो वहाँ के उनका इंटरेस्ट रहता है, हाँ मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना उसी। मैं अपनी खुशनसीबी कहूँगा, और साथ साथ में एक खास बात हूँ कि शायरी और मेरे शायर, ये उनका कलाम जो मुझे मिला ये खयाम 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 हो गई, ये उनका कलाम है, देखिए खयाम अपनी जगह अल्लाह ईश्वर ने जो बनाया है, इंसान क्या है वो ठीक है, इंसान सिंसियर हो अपना काम करे वो ओके, लेकिन इतना नाम हो जाना और उस नाम में अगेन मैं वो जुबरा कहूँगा कि मेरे शायरों का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे आप सुनेंगे इनका कलाम, माया गोविंद जी का नगमा भी एक इसमें इस फिल्म में है, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और इन्होंने जो कलाम लिखा देखेंगे आप कि क्या लिख दिया इन्होंने, और हक अदा कर दिया मुंशी प्रेमचंद जी का और उनकी कहानी का, और तो ये अब अच्छे शायरों का चुनाव, अच्छे शायरों के साथ सोहबत में बैठना उठना, इन बड़े बड़े शायरों के साहिर साहब साहिर, यानी देखिए सबसे पहले जो आपने मेरा नगमा सुना होगा, देखिए दो बोल सुना दूँ आप लोग, ये सुनिए बेटा, बिटिया लोग भी हैं कहीं, ये बैठे हैं आप आइए, हमारी पहली गजल जो सुपर डुपर हिट हुई ये 48 में रिकॉर्ड हुई, 48
और 49-50 में रेज ऑफ द नेशन बनी गजल गजल। उस वक्त क्या माहौल था आप लोगों को मालूम है। गजल आप उसके बोल सुनिए। अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। आगे सुनिए, हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। तो ये पहली गजल मेरी ऐसी हिट हुई, तो आपने जो जिक्र किया ना बड़े बड़े शायर, आप यकीन करेंगे बड़े बड़े शायर मुझे चाहने लगे, सारे के सारे, मजनू सुल्तानपुरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आजमी साहब और जानिसार अख्तर साहब और साहिर लुधियानवी साहब। तो ये उस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब हर एक ने मुझे लबैक कहा और कहा कि इकट्ठे काम करेंगे। तो ये और फिर मेरी खुशनसीबी के बड़े बड़े अदीमों का साथ रहा, मैं उनके साथ उनकी सोहबत में रहा, जिसमें कृष्ण चंद्र जी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी साहब हैं और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। तो ये चंद नाम ले रहा हूँ और बड़े बड़े और भी सहमान जिनकी सोहबत में बैठा, उनसे हमने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या पा लिया। तो ये क्वालिटी है ना, तो यूं ही नहीं होती, ये सोहबत में होती है। सोहबत में कोई किन लोगों की सोहबत में हम बैठे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर दिया, और उस काम का इतने बुलंद दर्जा काम का सुपर डुपर हिट होना विदाउट एनी एड। आज तो देखिए आपसे तो आप ज़्यादा जानते हैं किस तरह किस चीज़ को हिट बनाया जाता है, हिट बना कर दिया जाता है। वो सारा वो कुछ नहीं था, जीरो एकदम। जो एक नॉर्मल सी पब्लिसिटी होती है, पोस्टर बन गए, वो बन गए, कुछ भी नहीं। तो ये बुलंद पाया काम का, बुलंद पाया शायरी का और इतनी बुलंद पाया मौसीकी का, मैं ये कहूँगा ये सिर्फ शायरी बुलंद पाया नहीं है, उसमें मौसीकी संगीत वो उतना ही बुलंद पाया, वो कम नहीं है। वो दोनों मिलकर इतना वो एक जैसे होता ना, लोगों का कहना है कि एक जादू क्रिएट होता है, जादू क्रिएट होता है, एक नशा क्रिएट होता है। यानी ये आलम रहता है। और अगेन मैं उस बात पे आ जाता हूँ कि ये अच्छी शायरी जो मिली, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे मेहरबान मिले, मोहसिन मिले, ये सब के सब इतना मुझे इन्होंने चाहा, इतना। और मगर थी वो गजल पहली गजल, अब वेरी यंग एज में मैंने कंपोज किया।